ओके, थ्री टाइम करेंगे हम ऐसे। वेरी गुड, पूरा पीछे से लेके आओ हाथ आगे, पैरों को बेंड नहीं करना है, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। वेरी गुड, वन टाइम मोर, यस ओके। ओक्स करेंगे पीछे की ओर, वेरी गुड ओके। अब लेग्स को स्ट्रेच करेंगे पैरों को, गुड वेरी गुड। आगे की साइड स्ट्रेच करो, वेरी गुड चेंज, वेरी गुड स्ट्रेच करो पूरा, अपनी साइड खींचो, वेरी गुड शाबाश। ओके, एंकल को स्ट्रेच करेंगे, ओके चेंज, ओके। अब दोनों हाथों को पकड़ लेना आपस में और थ्री टाइम स्ट्रेच करनी है काफ को, ये जो हमारी पिंडी है इनको स्ट्रेच करना है। वेरी गुड गुड। अब हम स्ट्रेच करेंगे आगे की साइड, पीछे का पैर स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, गुड वेरी गुड। अब पूरे पूरे पैरों को खोलेंगे थ्री टाइम, यस, वन टू, वन टू, वन टू, वेरी गुड ओके रिलैक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो वार्म अप से पहले जो हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारी शरीर की जो सारी मांसपेशियां वो खुल जाएं और हमारे दौड़ते समय कोई भी इंजरी ना हो। अब हम वार्म अप करेंगे, ओके ओके दोस्तों। अब हमें हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई है, अब हम वार्म अप करेंगे। हमारा रोज का जो वार्म अप रहेगा वो कम 8 से 10 मिनट के करीब हम वार्म अप करेंगे। ये अपने को वार्म अप में बहुत इजी दौड़ना है, बिल्कुल भी तेज रनिंग नहीं करनी है, हमारे शरीर को नहीं थकाना है, बिल्कुल इस तरीके से इजी वार्म अप करना है। बॉडी गर्म करने के लिए करते हैं हम ये, इसके बाद हम वर्कआउट करेंगे। ओके दोस्तों, अब हम जब वार्म अप के बाद जो हमारी रनिंग की जो ड्रिल्स हैं, जिससे हमारी स्पीड और हमारी जो स्ट्रेंथ ताकत जो इम्प्रूव होगी वो करेंगे। वार्म अप के बाद हमें ये एक्सरसाइजें करनी है, आज हम ये 7 एक्सरसाइज करेंगे जो इस तरीके से है, और इसके बाद जैसे ही हमें 10 से 15 मीटर की एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद उतनी ही 15 मीटर की हम स्प्रिंट लगाएंगे। ओके स्टार्ट करते हैं, ओके आइनिंग स्टार्ट, वेरी गुड। ये पैरों को ऊपर की ओर पूरा उठाते हुए, वेरी गुड ओके पॉज। ओके दोस्तों, अब हम बैक किक करेंगे, जो हमारी ये एडी है ये हिप के टच होती हुई चलेगी। ओके स्टार्ट, इसमें हाथ भी चलाने हमें, वेरी गुड अब लंजेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वेरी गुड। पैर पूरे दोनों खोलते हुए जंपिंग जंप के अंदर, बिल्कुल इजी, स्लो स्लो, वेरी गुड। ये हमें स्प्रिंट लगानी है ऐसे 10 से 15 मीटर की, ज्यादा दूर रन नहीं करना है। ओके दोस्तों, अब हम टो टच एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारा हाथ है वो पंजे को टच करते हुए जंपिंग में करेंगे। ओके स्टार्ट, वेरी गुड, बिल्कुल इजी स्लो, ये स्प्रिंट लगानी है छोटी सी, यस ओके दोस्तों। अब हम जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों के साथ हमें जंप करना है, पंजे पे, हम पंजे पे रहेंगे। ओके स्टार्ट,
वेरी गुड, कमर पे हाथ लगाओ, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल छोटे छोटे जंप करने हैं। ये हमारी जो काफ है, हमारी जो पिंडियां हैं, इनकी ताकत आती है, इनमें स्ट्रेंथ आती है, जो रनिंग में सबसे ज्यादा यही चीज चाहिए हमें। इसके बाद ये स्प्रिंट लगानी है। ओके दोस्तों, अब हम शॉर्ट आइनिंग करेंगे, हमारे पैरों को बिल्कुल छोटी छोटी कदम ताल करेंगे। ओके स्टार्ट, एक ही जगह पे रुक के करनी है हमें ये, कम से कम 30 सेकंड तक ये करेंगे हम, 30 सेकंड तक। वेरी गुड, हाथ और पैरों की स्पीड दोनों साथ बराबर रहेगी। ओके स्प्रिंट, वेरी गुड, ओके ओके दोस्तों, अब हम सिंगल लेग जंप करेंगे। ये भी हमारे काफ के लिए है, जो हमारी ये काफ होती है, जो हमें रनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना। ओके स्टार्ट, सिंगल लेग जंप, वेरी गुड। ये भी हमें 10 मीटर तक लेफ्ट से, 10 मीटर से राइट से। ओके चेंज, ये 10 मीटर तक करनी है हमें, टोटल 20 मीटर हो जाएंगी। ओके स्प्रिंट, ओके ओके चलो स्टार्ट करो। यस, पूरे क्लैप करनी है, उसमें पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। वेरी गुड, ये हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड बढ़ेगी। वेरी गुड, ओके अब हमारा जो ये रनिंग की ड्रिल्स हो गई है, जो वार्म अप के बाद हमें रोज करनी है, इसके बाद ही हम जो भी अपना वर्कआउट है रूटीन का, जो मंडे से सैटरडे तक जो वर्कआउट रहेगा वो करेंगे। अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ओके ओके दोस्तों, आज हमारा ट्रेनिंग का 5वां दिन है और आज हम अपने 150 मतलब 150 मीटर की स्प्रिंट लगाएंगे। ये भी हमें 6 स्प्रिंट ही लगानी है और जितनी 60-70% स्पीड से लगानी है, और 150 मीटर स्प्रिंट लगाने के बाद उतनी ही हमें रिकवरी लेनी है, मतलब 150 मीटर लगाने के बाद उसी जगह वॉक और जॉगिंग करते हुए वापस आना है और हमें 150 मीटर लगानी है। ऐसे हम 6 स्प्रिंट कंटिन्यू करेंगे। ओके इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल रिलैक्स, 150 मीटर लगानी है ऐसे। यस, जो पेट के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे, जैसे वो सिटअप है, सिटअप के हम कुछ 6 प्रकार की सिटअप करेंगे, जिसमें 5 सिटअप तो अपने फ्रंट की रहेगी पेट की, और एक एक्सरसाइज करेंगे हम अपने कमर के लिए। ओके स्टार्ट करो, तो इस प्रकार से है। वेरी गुड, वेरी बिल्कुल इजी, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट, ये आपको 10-10 के 3 सेट करने हैं, इसमें 10-10 के 3 सेट लगाएंगे। वेरी गुड, ये दोनों हाथ और पैर इसमें दोनों चलेंगे, ये हमारे पेट की एक्सरसाइज है दोनों। वेरी गुड, ओके नेक्स्ट, ये लेग राइजेज है, पैर को उठा के दोनों हाथों को हिप के नीचे दबा लो। वेरी गुड, 90 डिग्री पे जाना है, नीचे की ओर आती रहेंगी। गुड, ओके नेक्स्ट, वेरी गुड, बिल्कुल रिलैक्स, पैरों को चलाना है हमें, बिल्कुल इजी, बिल्कुल भी इसमें हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कमर के लिए, हाथ रखो अपने सिर पे, हाथ रखो गर्दन पे। वेरी गुड, ये ऊपर की ओर उठना है, पैर बॉडी दबा के जितना आप उठ सको, धीरे धीरे आप सही हो जाएगी, स्टार्ट में ऐसे ही होता है। वेरी गुड, ओके रिलैक्स, ये जो हमारी ये जो एक्सरसाइज थी, इसके के सभी एक्सरसाइजों के हमें 3-3 सेट करने हैं, और जो हम इससे हमारा पेट और हमारी कमर में ताकत आएगी, जिससे हमारी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
ओके दोस्तों, अब हम जो हमारा जो प्रैक्टिस हो गई है, प्रैक्टिस के बाद अब हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये हमें वर्कआउट के बाद रोज करनी है, जिससे कि हम अगले दिन के लिए तैयार होंगे और हमारी मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे हमारे बिल्कुल भी इंजरी नहीं होती। जितनी हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर की बढ़ाएंगे, उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी। ओके, स्टार्ट करो। वेरी गुड। ये दोनों हाथों से टच करनी है, पूरी कमर को स्ट्रेट और घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। यस, नेक्स्ट। ओके, ये सिंगल लेग को अंदर करके। वेरी गुड। ये जितनी भी एक्सरसाइज है इनको हम 3-3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ये दोनों पैर वाइड करके बिल्कुल खोल के ये से टच करनी है हमें 10 टाइम, 5 टाइम लेफ्ट में और 5 टाइम राइट में। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। ये घुटने को पैर के ऊपर रख के बिल्कुल स्ट्रेच करना, हाथ सीधे रखो बिल्कुल। हाँ, पंजे को अपनी ओर खींचो, पंजे को खींचो अपनी ओर। गुड, नेक्स्ट। होल्ड किया कर 3 सेकंड। गुड, यस। ये घुटने को इस साइड ला के बिल्कुल सीधा रखना है, जो लेफ्ट को राइट को स्ट्रेच करना है। वेरी गुड, होल्ड करो, होल्ड करो 3 सेकंड। गुड, ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब हमें बिल्कुल सीधा लेट जाना है और हमें अपने पैर घुटने को अपनी ओर खींचना है दोनों हाथों से। होल्ड करो 3 सेकंड। गुड, नेक्स्ट। ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने एंकल को पकड़ो बिल्कुल। गुड, यस, एंकल को पकड़ो, घुटने ये बिल्कुल पैर सीधा रहेगा, स्ट्रेच करो। गुड, ओके, नेक्स्ट। ओके, अब ये हमारी जब भी हम दौड़ते हैं हमारी कमर बहुत टाइट हो जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है, कमर भी हमें रिलैक्स रखनी है, इसके लिए स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करो सभी एक साथ, होल्ड करो, इसे रोक के रखना है हमें 10 सेकंड तक, इससे हमारी कमर रिलैक्स हो जाएगी। गुड, ओके, इसके हमें 3 सेट करने हैं और ये पैर फोल्ड करके आगे की साइड खींचो, हाथों को आगे की ओर बढ़ो। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ाओ हाथों, हाथों से खींचो आगे की, अपनी कमर को स्ट्रेच करो। वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट। यस, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ के रोल करना है। वेरी गुड, ओके, अब फुल रोल करो। शाबाश, पैर बिल्कुल घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे दोस्तों, जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे हमारे पैर बिल्कुल, पैर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, आर्स पैर सीधे करो। वेरी गुड, स्ट्रेच करो। गुड, ओके, रिपीट करो, ऐसे हमें 3 बार करनी है एक्सरसाइज, जिससे हमारी कमर रिलैक्स हो जाएगी। आगे की ओर बिल्कुल पैर सीधे रख के, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए हमारे। ओके दोस्तों, ये हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी जो हमें वर्कआउट के बाद रोज करनी है, और ये जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी ये ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक हर एक्सरसाइज को हम रोक के ही रोज करेंगे। ओके।